हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू लर्न वेंट्रोलोकिज्म लेसन नंबर 8। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपको पपेट चूज करने से पहले, और उसके साथ आपको आगे भी उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो गाइज, पपेट मंगाने से पहले आप पपेट प्लीज पहले ना मंगाएं। पपेट्री इज द सेकेंडरी पार्ट। पपेट आपके हाथ में आएगा वो सेकेंडरी पार्ट है। पहला पार्ट आपका ये है कि आपको उसके उसके बिना पहले प्रिपेयर होना है आपको, उसके बिना। ओके, तो आपको चूज करना है पपेट। कैसे चूज करते हैं हम लोग, कैसे ट्राई करेंगे? मुझे पहला सवाल था कि पपेट कहाँ मिलेंगे। पपेट मिलेंगे अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे। आपको सर्च करना है सिली पपेट्स, SILLYPUPPET पपेट्स, सिली पपेट्स, तो वहां पर आपको मिल जाएंगे अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे। बट उसको मंगाने से पहले एक गलती जो आप सभी लोग करेंगे वो है कि मेरे पसंदीदा पपेट में मंगाऊंगा, बट पसंदीदा पपेट होता ही नहीं है गाइस। पसंदीदा पपेट नहीं होता है, ये होता है कि कैरेक्टर के ऊपर आपको थोड़ा काम करना है, उसके बाद आपको पपेट मंगाना है। ओके, तो मैंने मेरा पपेट 3 मंथ्स के बाद मंगाया था, क्योंकि उसे थोड़ा ट्रेन किया था मैंने, लाइक मेरे ऊपर अंदर ही मैंने ट्रेन किया था कि ये पपेट मेरा ऐसा ही होगा। इज अ लाइक टपोरी टाइप, छपरी टाइप है थोड़ा सा, वो हल्का सा बेइज्जती करता है, तो उस टाइप का वो बंदा है। तो उस बंदे को मैंने पहले सर्च किया कि मेरा कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए, तो मुझे एक सिंपल बॉय मिला। उस सिंपल बॉय को मैंने थोड़ा सा पट्टी विट्टी लगाया, और उसके बाद थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया उसको, कपड़े वपड़े चेंज कर दिए, एंड उसको थोड़ा सा टपोरी टाइप बना लिया। बट आपको उससे पहले कंटेंट लिखना होगा, कैरेक्टर को समझना होगा, उसके साथ आपको प्रेजेंस करना होगा। ओके, अपने आप को उसकी प्रैक्टिस ठीक से करनी होगी, उसके बाद पपेट मंगाना प्लीज, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। क्योंकि तो ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है कब, जब आप इतने पैसे डालोगे और अच्छा अगर कैरेक्टर ना आए और बाद में आप फंस जाओ, तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो उससे अच्छा आप ये करो कि पहले उसकी प्रैक्टिस कर लो, कैरेक्टर को ले लो। आप अमेजोन पे जाओ, जो कैरेक्टर आपको पसंद आ रहा है उसकी फोटो ले लो, एंड उसके सामने रख कर उसको इस तरह मॉडिफाई करूंगा, उस तरह उसके कंटेंट्स होंगे, ये कैरेक्टर को ऐसे, ये ऐसे बोलेगा मेरा कैरेक्टर। ये जब आप इंटरनली करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपके कैरेक्टर में उतरने के लिए टाइम नहीं लगेगा। ओके, सीरियसली मैं ये एकदम सीरियसली बोल रहा हूँ गाइस, प्लीज ऐसी गलती मत करना। पपेट मनपसंद मत मंगाना। पपेट कैरेक्टर के हिसाब से आता है, कैरेक्टराइजेशन के हिसाब से आता है, ऐसे नहीं आता। सो आप पहले उसके ऊपर काम करना, क्योंकि ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। उसी के साथ मैं आपको बताता हूँ मेरा कैरेक्टर्स, मेरे पास 3 कैरेक्टर्स हैं। मैं जस्ट रिसेंटली एक कैरेक्टर मंगाया हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ मैंने उसको अमेजोन पे ये कैरेक्टर मैंने मंगाया। तो आपको क्या लग रहा है कि ये कैरेक्टर मैंने पहले ही मंगा लिया है? नहीं, मैंने इसके ऊपर मिनिमम में 6 महीने से काम कर रहा हूँ इसके ऊपर। इसका आवाज कैसा होगा, इसकी टोन कैसी होगी, ये किस तरह बात करेगा, ये क्या करेगा, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें मैंने स्टडी करके रखी थी। इसको आप आंखें आप देखोगे, इसकी थोड़ी सी ये नम है आंखें, ये थोड़ा सोतू टाइप बंदा है, तो इसका मैंने आवाज ही चेंज कर दिया है। इसका आवाज ऐसा है, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले लड़के हो। नहीं यार, मैं थोड़ी गुस्सा करता हूँ, बट मुझे तो डर लगता है। अरे नहीं, ऐसे नहीं बात करते, मैं एकदम ठंडा दिमाग का बेटा, ठंडा दिमाग वाला लड़का हूँ, बट मुझे तो नहीं लगता है। अरे नहीं, ऐसा थोड़ी बात करना है। तो कैसे बात करनी है भैया? भैया थोड़ी हूँ। तो कौन हो? तो गाइस देखा आपने, तो मैं इस तरह बात करता हूँ इससे। तो अब जब भी कैरेक्टर मैंने इसके ऊपर सोचा था कि एक टेडी बेयर है, उसके पॉइंट्स कीवर्ड्स लिखे, ये सोतू वो बंदा है, ये बहुत स्लो है, ये बहुत आराम से बात करता है, इसके ऊपर इसके अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है, ये बहुत ही धीमा बात करता है, आराम से बात करता है, तो ये ऐसा कैरेक्टर मैंने पहले ही लिख के रखा था। तो इस हिसाब से मुझे वो कैरेक्टर भी वैसे ही चाहिए था, तो मैंने फाइंड आउट किया, मुझे ये मिला, उसकी मैंने स्क्रीनशॉट ली, उसके ऊपर काम किया, मैंने कंटेंट लिख के रखा हुआ है। मैं अभी प्रेजेंस नहीं कर रहा, इसकी भी वीडियो आपको बाद में दिखाई देगी कि मैंने कैसे प्रेजेंट किया इसको। तो गाइज इसी तरह आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है, जो पपेट आपको पसंद आता है, जिसके ऊपर आप बात कर रहे हो, उसको ले लो पहले, उसके ऊपर काम करो। जब आप कॉन्फिडेंस हो जाओ कि नहीं फिक्स हो गया मेरा ये ही कैरेक्टर होगा, ऐसी ही आवाज होगी और इसी तरह वो बात करेगा, देन यू कैन डू इट, अपना पपेट मंगा लो, वो आ जाएगा, आराम से आ जाएगा।
और उसके साथ मैं आपको बोल देता हूँ कि कैरेक्टर की जो वॉइस होती है, मेरे पास तीन वॉइसेस है, ओके, एक जो मैंने बनी की बताई, एक ये वाली, और एक मेरे पास चिकन है, तो मैं चिकन की आवाज बता रहा हूँ। तो आपको मैं पता चलेगा कि मैं किस कैरेक्टर को किस तरह से स्टडी करता हूँ। ओके, ये देखो। हाँ, क्या कहा था निया, मेरे को तो पता ही नहीं कि इधर क्या हो रहा है। अरे नहीं, वो वीडियो चल रही है। कौन सी वाली वीडियो? वीडियो मतलब हमारी वीडियो चल रही है। क्या कहा था, ये लोग मुझे देख के खांग नहीं जाएंगे ना? खाएंगे भाई, ठीक है निया, मेरे को तो मजा आ रहा है। अच्छा, तो गाइस इस तरह से ये कैरेक्टर लिखा हुआ था मैंने, और इस कैरेक्टर ऊपर ऐसी स्टडी की थी। एक चिकन होगा, और चिकन जब मैंने देखा था, सॉरी, इसके लिए थोड़ा सा अलग फॉर्मेट मैंने यूज किया था। इसको पहले मैंने देखा, उसके ऊपर लिखना स्टार्ट किया, उसकी भी फोटो स्क्रीनशॉट ले ली मैंने, उसके ऊपर लिखना स्टार्ट किया कि ये कैरेक्टर इस तरह बात कर रहा है, हैदराबादी कैरेक्टर होगा ये चिकन है, इसका नाम मैंने रखा हुआ है कुकू चिकन वाला। सो उस तरह से मैंने लिखा है उसका कंटेंट प्रॉपर, एंड उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा काम किया, एंड उसको आवाज तो मैंने पहले से ही ढूंढ के रखी थी, ओके, और तो बनी तो आपने देख ही रखा है, बनी की भी आवाज थोड़ी सी पतली है, तो वो एक टपोरी का कैरेक्टर है, वो बहुत ही शाना है, एकदम डेढ़ शाना है, शाना नहीं डेढ़ शाना कह सकते हो, तो वैसा वाला कैरेक्टर है। अभी हम बात करते हैं आवाज के बारे में। आवाज कहाँ से पैदा होती है, आवाज कहाँ से आती है, आपको थोड़ी सी एक नॉलेज होनी चाहिए मेमिक्री के बारे में, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। आप कार्टून्स देखो, कार्टून्स में आपको देखो, कभी कार्टून चल रहा होगा तो बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं और सबकी अलग अलग आवाज होती है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ी सी उसमें से कोई भी, जितने भी आप कैरेक्टर देखोगे उसमें से किसी की भी आवाज अगर पसंद आए तो उसको बस आपको मेमिक्री करना है। और बहुत सारी आवाज होती है, कोई बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो आपको आराम से बात करते हुए दिखाई देंगे, फास्टली बात करके दिखाई देंगे, कोई शाणेगिरी, कोई शिनचैन टाइप होता है जो बेइज्जती करते हुए बात करता है, तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिस हिसाब से आप बात कर सकते हो, उसको अपने अंदर ले सकते हो, वो आपको ज्यादा हेल्प करेंगे। दूसरी बात, कैरेक्टराइजेशन में और एक पार्ट आता है फीलिंग्स। फीलिंग्स आपके अंदर होनी चाहिए, वो आपको कार्टून में 100% दिखाई देंगे। वॉइस ओवर कहते हैं उसे, वॉइस एक्टिंग कहते हैं, तो उसके अंदर आपको वॉइस के बारे में जो एक छोटी छोटी है, जैसे छींक आती है अच्छी, तो ये इसको भी छींकना, छींक आती है तो उसको भी आप अच्छी करा दो, तो वो भी एक है। इसको भी डकार आती है, उसके साथ उसे क्या इसे कहते हैं, खांसी आते है, ये भी आप करवा सकते हो। सो छोटी छोटी चीजें आप पकड़ना स्टार्ट कर दो, तो ये कैरेक्टर को एक जिंदा रखने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो मेरा यही मानना है कि जितना आप कैरेक्टर को जिंदा करने की कोशिश करोगे, वो उतना ही बहुत अच्छा दिखने स्टार्ट हो जाएगा, और जो ऑडियंस है उन्हें इंटरैक्ट करने के लिए बहुत हेल्प कर देगी। और दूसरी बात, पहले आप जब स्टार्ट करते हो तो पहले 5 मिनट का कंटेंट लिखना स्टार्ट करो, फिर 10, फिर 15, 20, 25, तो आराम से आहिस्ते आहिस्ते अपने 5 मिनट बढ़ाते जाओ। आपको क्या लग रहा है कि एक ही टाइम पे कोई 25 मिनट्स बात करता है? नहीं, मैंने ओपन माइक्स किए हुए हैं 1 ईयर तक। ओपन माइक्स में जाता था, 5 मिनट परफॉर्म करता था, उसके मैं पैसे देता था, जो भी ओपन माइक्स होता था 200, 300 जो भी, 4 मिनट मिलते थे, 4 मिनट में सबको हंसा के आपको देखना है कि इसमें से कौन सा जोक चल रहा है नहीं चल रहा है, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है, ओपन माइक्स कर सकते हो, या फिर कहीं भी आपका फंक्शन हो तो आप 5 मिनट खड़े हो जाओ, 5 मिनट के लिए कर दो, थोड़े थोड़े जोक सुना दो थोड़े बहुत, उसके बाद फिर से उतर जाओ, फिर से कोई और फंक्शन आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, लोगों के साथ डिस्कस करो, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो ये जोक चलेगा नहीं चलेगा, और 10 मिनट कर लो, 15 मिनट कर लो, आराम से टाइम बढ़ाते जाओ आहिस्ते आहिस्ते, फिर आपका एक कॉन्फिडेंस, आपकी एक पूरी स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगी, एंड देन यू कैन डू इट एकदम मस्त ऐसे, आधे घंटे का परफॉर्म कर लो, उसके बाद आपको सब लोग बुलाते ही जाएंगे। तो पहले कंटेंट के ऊपर काम करना प्लीज, कंटेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कभी भी 5 मिनट भी अगर आपको कोई इंसान सुन रहा है विद पपेट और कैसे भी, तो वो बंदा 5 मिनट निकाल रहा है अपनी जिंदगी के, 5 मिनट आपको दे रहा है, तो आपका वो फर्ज बनता है कि मैं 5 मिनट उसके ले रहा हूँ, तो 5 मिनट उसका वर्थी दू भी, तो ये आपका इंटेंशन होना चाहिए। उसको हंसाओ, अगर मैं कॉमेडी के लिए जा रहा हूँ या फिर स्टोरी टेलिंग के लिए भी जा रहा हूँ, तो भी आपको फीलिंग के साथ ही बताने है, और फीलिंग्स कहाँ से आएंगे आपको, कार्टून एंड मूवीज देख के, तो वहाँ से आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। प्लीज़ इसे जो भी मैंने अभी आज कहा है उसको फॉलो करना, जो भी अगर प्रॉब्लम्स हो, अगर कोई ऐसा लग रहा है क्वेश्चन कि मुझे थोड़ा सा
प्रॉब्लमेटिक लग रहा है तो उसका कमेंट कर देना, मैं 100% कमेंट करता हूँ। और दूसरी बात, प्लीज़ पपेट के लिए जल्दबाजी मत करना, आराम से पपेट खरीद, कहीं जाने वाले हैं नहीं, आराम से खरीदना। थोड़े से रेट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं बट वो बहुत टाइम के बाद रेट्स बढ़ते हैं, लाइक 2-3 साल में एक बार ही बढ़ते हैं रेट्स, बट उससे उसके बाद नहीं बढ़ते ज़्यादा करके, क्योंकि पपेट्स भी थोड़े से बाहर के हैं। इंडियन पपेट्स आते हैं, इंडियन पपेट्स मैं खरीदता नहीं हूँ, क्योंकि इंडियन पपेट्स मैंने एक फ्रेंड के पास देखा था तो मुझे क्वालिटी में थोड़ा सा इधर उधर हुआ, तो मैंने सोचा चलो बाहर से ही मंगा लेता, ये मेरा कंफर्टेबल जोन है। अगर आपको इंडिया में कोई पपेट दे रहा है तो इट्स गुड फॉर यू, इंडिया में खरीद लो, थोड़ा सा सस्ता भी जाएगा, थोड़ा सा कम पैसे आपके बच जाएंगे। बट इसके साथ थोड़ा सा अगर कैरेक्टर अगर आपने सोचा है कुछ अच्छा और वो मिल जाए तो प्लीज़ ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट मैं सिली पपेट्स के साथ थोड़ा कंफर्टेबल रहता हूँ, सो ये मेरा मानना है, तो आप देख लीजिए कैसा आपको लगता है। और उसी के साथ आपको और एक चीज़, एक खुशखबर देना चाहता हूँ कि मैं फेब्रुवरी से, फेब की डेट्स में नहीं बताऊँगा, बट फेब्रुवरी से मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ वेंट्रोलोकिज्म के, तो वो भी आपको मैं सिखाऊंगा वेंट्रोलोकिज्म, और आपको उसके साथ पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, आपको ट्रेन भी करूँगा और सेशंस बहुत अच्छे होंगे, सो डोंट वरी, इसके लिए मैं भी प्रिपेयर करूँगा आपके लिए। सो थैंक यू, ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब का बटन इधर है, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। ये आर्ट 100% आप सभी को आ सकता है, ये आर्ट कोई भी सीख सकता है, मैंने पहले ही कहा था, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। सो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई भी क्वेश्चन हो सो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।